हम दोस्तों को स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और आज की जो जाने होने वाली है वो है 12565 द मोस्ट डिमांडेड ट्रेन टू बिहार दरभंगा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एंड वी हैव द ट्रेन फ्रॉम दरभंगा टू न्यू दिल्ली एंड टुडेज ट्रेन इज डाइवर्टेड बिटवीन गोंडा टू गोरखपुर एंड लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है। तो क्योंकि आज हम फैमिली के साथ में ट्रैवल कर रहे थे तो काफ़ी सारा सामान था हमारे साथ में। पापा मेरे क्योंकि हैंडीकैप है तो बिल्कुल कट टू कट टाइम पे हम पहुंचे थे दरभंगा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। हमारी ट्रेन खड़ी हुई थी, 15 मिनट बचे थे डिपार्चर में। सामान वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा पहने और क्योंकि कुछ लोग आ गए थे कुछ नहीं आए थे, लेकिन फिर भी ऑन टाइम हम ट्रेन में बैठ गए थे। और ये पहली बार मैं बिहार रूट पर ट्रैवल कर रहा था किसी भी ट्रेन में। भैया एट द लास्ट मोमेंट पे संपर्क का सामान रखना भारी हो रहा है पूरा। और सामान कहाँ है? थैले वगैरह 3 सीटें तो इसमें, बाकी 7 सीटें इसमें। 7 सीटें इसमें है ना, बाकी सामान कहाँ? 1 मिनट हो गया। मेरी और अंजू बोल की है इसमें। रुक जाओ, ये भी हम करवा लेंगे उसमें। हाँ रुक जाओ, देख रहे हैं वहाँ भी अलग अलग आगे पीछे हैं। इसमें कौन से सीट है? ये हाँ 3 सीट है। 3 सीट कर लेंगे, उस टीसी से बात कर लेंगे। हाँ मुझे फॉरवर्ड कर देना। ट्रेन तो है ऑन टाइम पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लग रही है दरभंगा के। और क्या हालत में हम पहुंचे ना, ऐसे बिल्कुल एंड टाइम कट टू कट टाइम, बिल्कुल 8:10 मिनट पर। सामान इतना सारा था ना, बिल्कुल ऐसी इतनी मुश्किल से भरा है। और सीटें भी हमारी A2A1 में है, 7 सीटें A2 में है और A1 में है 3 सीटें। अब देखते हैं कि एक साथ कंफर्म कराएंगे मतलब दूसरे उसमें जाके। लेट्स सी, ये दिखा देता हूँ जियो सेक्शन हमें। सही है बट ICF से तो बेटर है क्योंकि ये कर्टेन वगैरह सब सीट्स वगैरह भी बहुत सही नहीं है। दिखाता हूँ, सबसे बढ़िया बात है कि थोड़ी सी प्राइवेसी तो मिलते हैं तो जिसके लिए आदमी पैसे देता है फालतू में। तो कर्टेंस वगैरह हैं, सीट भी वाइड हैं, साइड लोगों तो सेम ही है 30C की तरह, तो इज नो डिफरेंस। और ये है, इसको आप नीचे कर लें तो ये वाइड हो जाएगी सीट, वैसे 30C हो जाता है इकोनॉमी के पूरा। तो बैठे बैठे दिखा देता हूँ, देखो ये ना इकोनॉमी बन जाता है ऐसा। इकोनॉमी में थोड़ा सा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, सीट कम है वो वाइड नहीं हो पाती, मतलब नीचे नहीं जा पाती। जैसे ये सीट नीचे आती है तो वाइड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, तो आपको कंफर्टेबल लगता है कि सोने में भी उसमें बैठने में थोड़ा सा लेटने में अच्छा रहता है। ये है साइड लो कर्टेंस विद विंडो और रीडिंग लाइट है। चार्जिंग पॉइंट भी है हर एक सेक्शन पे। ICF में ऐसा नहीं था, सेकेंड AC में। यहाँ पे ऊपर भी है, नीचे भी है, रीडिंग लाइट भी है, चार्जिंग सॉकेट भी है यहाँ पे, कंफर्टेबल सीट है। ट्रेन चल दी हमारी ऑन टाइम पे 8:25 पे दरभंगा से। तो 8:25 पर चल चुकी है ट्रेन हमारी दरभंगा से। और कोच क्या, लोकोमोटिव के पीछे से आई थिंक तीसरा चौथा हमारा कोच है। भाई साहब कैसे पहुंचे हम यहाँ पे हमें पता है, भागते भागते एंड मोमेंट पे। सो बार बाय दरभंगा, सी यू सून आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। क्या हो गया है? यार ब्लॉगर हैं तो बनाएंगे नहीं क्या? प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम है, टिकट है ना अपने पास। दरभंगा से सुबह 8:25 पर और पहुंच जाती है सुबह नई दिल्ली 5:00। अब ये ट्रेन है आज डाइवर्ट बिटवीन गोरखपुर टू गोंडा। देखते हैं कि कितना लेट या टाइम पे पहुंच जाती है, क्योंकि डेली 4 घंटा लेट, 2 से 2.5 घंटा ले रही है नई दिल्ली पहुंच रही है। लेट्स सी कि कितना वो करती है ये ट्रेन। फिलहाल हमारी सीट है A1 और A2 में। हमारा काम है फिलहाल मर्ज करना कि सीट एक्सचेंज हो जाए। देखते हैं, मोटे देखना टाइम नहीं मिला है, अभी सीट एक्सचेंज करने पे लगे पड़े हैं। 3 सीट हमारी दूसरे सेक्शन में। तो ट्रेन के जो स्टॉप हैं दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, देन हाजीपुर है, छपरा है, गोरखपुर है, गोंडा है, ऐशबाग है, आई थिंक बाराबंकी तो शायद नहीं है, देन कानपुर, देन नई दिल्ली, शायद एक दो स्टॉप मिसिंग होंगे। लेकिन आज ट्रेन डाइवर्ट है बिटवीन गोंडा टू गोरखपुर, तो ट्रेन दूसरे सिद्धार्थनगर होके जाएगी गोरखपुर से गोंडा। तो
देखते हैं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ट्रेन 14 तारीख से डाइवर्ट थी और 20 तक आई थिंक 20 या 27 तक डाइवर्ट है शायद समथिंग, तो दो से ढाई घंटे नई दिल्ली पहुंचती है, तीन से साढ़े तीन घंटे कानपुर सेंट्रल लेट अराइवल होता है। तो देखते हैं कैसा रहता है सफर, वैसे सिर में दर्द हो गया, बहुत ज़्यादा माइग्रेन हो रहा है, टीसी का वेट कर रहे हैं कि सीट एक्सचेंज हो जाएगा। निकल के ट्रेन हमारी समस्तीपुर पहुंचने वाली है, जहाँ पर हमारी ट्रेन का ओवरलॉक और रिवर्सल एक यही होगा, समस्तीपुर पर रिवर्सल होता है जो दरभंगा जाती है, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर होते हुए समस्तीपुर पर रिवर्सल होता है, तब दरभंगा की ओर जाती है ट्रेनें। तो यस वहाँ पे आज आई थिंक 25 मिनट का रिवर्सल है, 9:10 से लेके 25 मिनट का रिवर्सल। लेट्स सी, समस्तीपुर जंक्शन। तो फिलहाल हमारी ट्रेन पहुंच रही है समस्तीपुर जंक्शन पर करीब 20 मिनट की देरी से, और यहां से हमारी ट्रेन का होगा लोकल रिवर्सल, यानी कि आगे से लोगों पीछे जाएगा। यहां से जो आगे से जो सीधा रूट चल जाता है वो चल जाता है बरौनी और कटिहार के लिए, जो राजधानी और बाकी ट्रेनों का रूट पड़ता है। अपार्ट ऑफ दैट हम यहाँ से पीछे की तरफ निकले, जिधर से आए थे उसके लेफ्ट साइड में मुजफ्फरपुर का रूट चला जाता है, यानी कि हम अपना रिवर्सल लेकर यहाँ से लेफ्ट साइड में मुजफ्फरपुर की ओर निकल जाएंगे। फिलहाल एग्नाइन ट्विंस समय से लगभग 18 मिनट लेट हम पहुंच चुके हैं समस्तीपुर जंक्शन, और यह फिलहाल हमारा कोच टिल न्यू दिल्ली, और ट्रेन है हमारी डाइवर्ट बिटवीन गोरखपुर टू गोंडा, और अब होगा रिवर्सल यहाँ पर ट्रेन का, ट्रेन का लोगो आगे से पीछे जाएगा। भैया समस्तीपुर पर शेड के लोगों ही खड़े हैं, ये वेब 7 वेब 4 देन वेब 7 वेब 4 वेब 7, और सामने से आके ट्रेन एल को आ रहा है, सम एल को इज कमिंग विद आई सी ट्रेन है। ओहो अरे तेरी, जनरेटर स्टार्ट हो गया, एचओजी नहीं है, अब ट्रेन का लोगों का रिवर्सल होगा। हमारा लोगो जो बिहार संपर्क क्रांति को कैरी कर रहा है टिल न्यू दिल्ली, अब रिवर्सल पे जा रहा है। हावड़ा वेब 7 हमारी ट्रेन इधर से आई थी, इधर से अब इधर को जा रही है लेफ्ट साइड में, चलते हैं अंदर को, नहीं तो यहाँ से चोरी होने खतरा रहता है, थोड़ा अंदर चलते हैं। फिलहाल इतना दिखा दिया मैंने, हम लेफ्ट साइड मुड़े राइट साइड से आए और अब हम पीछे हो गए, रास्ते पीछे चल लेते हैं ट्रेन के 130 के रंग के, ट्रेन का 130 रन सिर्फ मिलता है चिपियाना बुजुर्ग से कानपुर सेंट्रल तक, उसके बाद ट्रेन लखनऊ के रूट पर निकल जाती है ऐशबाग वाले, और उसके बाद फिर 110-100 के रूट पर ही चलती रहती है ट्रेन दरभंगा तक। उसके बाद ट्रेन की जो स्पीड है वो तो भैया एवरेज प्रायरिटी ट्रेन की बहुत गजब है। अब हुआ ये कि हमने जो टिकट बुक की थी, मैं बताता हूँ कि क्या हुआ, हमने जो टिकट की थी 10 टिकट थी हमारी, एक तारीख में बुक कर दी थी हमने, लेकिन हम उस टाइम पे हमारी वेटिंग थी लगभग 9 वेटिंग थी, और 10 वेट टिकट के साथ में 19 वेटिंग हो गई थी। पहले ही दिन में 5 वेटिंग कम हो गई, उसके बाद में 10 दिन तक एक भी वेटिंग कम नहीं हुई, फिर दूसरे दिन 6 वेटिंग कम हो गई, उसके बाद फिर एक भी वेटिंग कम नहीं, फिर उसके बाद हमने कुछ टिकट कैंसिल करके तत्काल में कराई 4 टिकट, उसके बाद में 3 टिकटें हमारी आरएसी में आई, 3 टिकटों के हम भरोसे थे कि जैसे होगा देखा जाएगा, इससे बात करके फाइन वाइन देख के सीट बुक कर लेंगे आरएसी में, बट थैंक गॉड हमारी जो आरएसी की भी सीट थी और जो वेटिंग की सीट थी 6 की 6 सीटें कंफर्म हो गई, बस आगे पीछे हैं A2 A1 में सेकंड एसी में, तो यहाँ पर हमारा ये था इसलिए भागने का था कि बहुत ज़्यादा वरीड थे कि ट्रेन की सीट कंफर्म होगी या नहीं, क्योंकि सब फैमिली वाले अलग अलग हो जाते हैं और इतनी बहुत दूर दूर से आ रहे हैं सब, तो दैट इज़ वाई वी वर वरीड, बट यस थैंक गॉड कि सीटें कंफर्म हो गई, अब बस आगे पीछे हैं, थोड़ा सा उसको सही करेंगे कि कैसे होता है, टीसी आए तो उनसे कुछ बात करेंगे भैया। तो 10:55 पर हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन, और सामने खड़ा है हमारा एल्को लोकोमोटिव ब्लू शेड, लीडिंग है कोई सब क्रांति सुपरफास्ट भी खड़ी है हमारी, जो इसके बाद डिपार्चर लेगी यहाँ से, और ये जाएगी वाया मुरादाबाद
सेम रूट होगा लेकिन लखनऊ से अलग हो जाएंगी दोनों ट्रेनें, एक मुरादाबाद जाएगी और एक कानपुर जाएगी। मिनट की दिल्ली से हम पहुंचे मुजफ्फरपुर जंक्शन, क्योंकि मेन लाइन पर फेट खड़ी कर रखी है तो ट्रेन हमारी लूप लाइन से निकल रही है। ये है मुजफ्फरपुर जंक्शन का स्टेशन। सामने बैग 9H। From at 11:55 AM. Main track. बड़ी भीड़ है। हाजीपुर जी, हमारी ट्रेन निकल चुकी है हाजीपुर जंक्शन से, अब जा रहे हैं हम छपरा की तरफ। लेट्स सी, देखते हैं कैसे रहती जर्नी नाइट में, देखते हैं नाइट में यार पूरे 1:30 जाएगी, बट दिखेगा नहीं। बैठा जंक्शन पर हम पहुंचे हैं तकरीबन 40 मिनट डिले। संतोष जंक्शन सबसे बड़ी कमजोर हमारे चलिए भैया छपरा जंक्शन पहुंच चुके हैं। 1:05 पर 15 मिनट डिले आई है ट्रेन हमारी बिहार संपर्क क्रांति, और ये है दीनदयाल को सो कॉल्ड उत्कृष्ट ट्रैक छपरा जंक्शन। अरे थैंक यू सर। 15 मिनट डिले से हम पहुंच चुके हैं छपरा जंक्शन। ट्रेन वैसे 45 मिनट डिले चल रही थी, अभी ट्रेन हो चुकी है 15 मिनट डिले तक। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हम आए, ऐसे दिखता है छपरा जंक्शन। लेट्स सी आगे भैया जर्नी कैसी रहती है, वी विल सी नाउ। कोच एंड यहाँ पर टीटी स्टाफ उतर चुके हैं, ऑलमोस्ट लास्ट तक ही हम H1 हमारे पीछे 5 से 10 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे ट्रेन का, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टॉप आई थिंक गोरखपुर है। लेट्स गो इनसाइड। एक लोको पायलट सर हाजीपुर से छपरा जा रहे थे, काफी अच्छी बात हुई उनसे। काफी
ओवरटेकिंग गोरखपुर हटिया संबलपुर 15027 चलो आले चलो 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 आले हमारी ट्रेन ने ओवरटेक किया मौर्या एक्सप्रेस को, लेकिन फिर भी ये ट्रेन हमारे से पहले गोरखपुर जंक्शन पर पहुंच जाती है। और यहाँ पर हम गोरखपुर कैंट के जो कर्व है, बहुत खूबसूरत कर्व, उसको पार करते हुए गोरखपुर कैंट से पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जब हम गोरखपुर कैंट पर पहुंचे, इतना सुनसान स्टेशन, प्लेटफॉर्म आई थिंक 4 से 5 हैं, लेकिन इतना सुनसान स्टेशन पड़ा था, लगा था कि कोई ट्रेन आती भी है यहाँ पर या नहीं। बिल्कुल रात ही रात में तो यहाँ पर रुकना काफ़ी मुश्किल हो जाता होगा। फिलहाल आप गोरखपुर कैंट के कर्व को एंजॉय कीजिए। गोरखपुर यार्ड से निकल दी गांधी बिहार संपर्क क्रांति। Another Alco is standing at Gorakhpur Junction. Yeah, let's see which one. Okay, Gorakhpur Junction. तकरीबन 30 मिनट की डिले से हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और अब यहां से होगा ट्रेन का डायवर्जन बिटवीन गोरखपुर टू गोंडा वाया सिद्धार्थ नगर। लगभग 250 किलोमीटर का ये रूट पड़ेगा, सिंगल रूट। यहां से होगी ट्रेन डायवर्ट। वैसे 10 मिनट का स्टॉप है, अब देखते हैं कितनी देर में यहाँ से ट्रेन चलती है, क्योंकि पहले से ट्रेन 30 मिनट लेट है। नाउ अब हमें कानपुर पहुँचने में कितना टाइम लगता है और दिल्ली पहुँचने में कितना टाइम लगता है, कितना ये टाइम ट्रेन कवर करती है, ये पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं। आगे गोरखपुर से ट्रेन डाइवर्ट है गोंडा तक, बाकी के पार्ट भाई वीडियो पार्ट 2 में दिखाएंगे। जय श्री राम दोस्तों।